बी ए और बी एस सी थर्ड ईयर सेमेस्टर सिक्स के अकॉर्डिंग लीनियर अलजेब्रा मैथ का दोस्तों हमने स्टार्ट कर रखा चैप्टर फर्स्ट वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेज। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा था सब स्पेसेज, ठीक है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कौन से वो क्राइटेरिया रहेंगे अपने पास कि हम किसी भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट को सब स्पेस बता सकते हैं किसी भी एक वेक्टर स्पेस के लिए। तो कुछ अगर क्राइटेरिया हमने देखे थे सभी थ्योरम्स और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो सिंपल अपने पास बात है वो ये है कि जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट जिसको कि हम एज ए सबस्पेस प्रूव करवाना चाहते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, उस नॉन एम्प्टी सबसेट में होल्ड होनी चाहिए क्लोजर लॉ अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोजर लॉ अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम उसको एज ए सबस्पेस बोल सकते हैं किसी भी एक वेक्टर स्पेस के लिए। तो सिंपल हमने चार थ्योरम्स की सहायता से चार क्राइटेरिया देखे थे। पहली जो थ्योरम थी इसके अकॉर्डिंग अपने पास सिंपल क्राइटेरिया है इस तरीके से, ठीक है, ये अपने पास सिंपल क्राइटेरिया है। बाकी नेक्स्ट थ्योरम में क्या आ जाता है ये तो सेम ही रहेगी ये बात तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट जो ये क्लोजर लॉ अंडर वेक्टर एडिशन है इसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है। जैसे कि आप ये यहाँ पर देखेंगे इसमें मिक्स कर दिया गया है अंडर अपने पास से मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, ये ए इंटू में यू आप देख पा रहे होंगे, और टोटली देखेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लोजर ला हो जाएगी अंडर वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब बिल्कुल इसी वे में सिमिलर अपने पास फोर्थ थ्योरम का रिजल्ट था। फोर्थ थ्योरम में हमने क्या कर दिया वी के साथ एक और स्केलर ले लिया बी, ठीक है। ये फर्स्ट और जो थर्ड थ्योरम है ये दोनों सिमिलर हैं। फर्स्ट थ्योरम में यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। तो बस ये सिंपल रिजल्ट है, किसी भी रिजल्ट का यूज करते हुए हम किसी भी एग्जांपल क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। जब तक हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा रिजल्ट यूज करना है तो हम कोई भी जो हमें अच्छा लगे आसान लगे उसका यूज कर देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल समझने योग्य नहीं है बट इनको समझ लेते हैं ताकि इनको सोल्व आउट करते हुए रिजल्ट हमें अच्छे तरीके से रीड आउट हो जाए। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, लेट आर बी ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। आर अपने पास इस कंप्लीट एग्जांपल में एज ए फील्ड का वर्क करेगी जो कि रियल नंबर की फील्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस, ये जो नीचे अपने पास है सब सेट्स हैं इनको हमें प्रूव करना है कि ये सब स्पेस होंगे या नहीं होंगे इस वेक्टर स्पेस वी थ्री ओवर आर के लिए। ये वी थ्री यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरीके से अपने पास एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अपने पास वेक्टर स्पेस है यहाँ पर। तो देखते हैं पहला जो पार्ट है इसमें हमने इस सबसेट को लेट कर लिया डब्लू। अब क्या करेंगे किसी भी क्राइटेरिया को यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिखा देंगे। तो ये क्राइटेरिया हमने ले लिया फोर्थ थ्योरम के अकॉर्डिंग, हम फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, सेकंड के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग भी, कोई भी क्राइटेरिया जो हमें आसान लगे वो यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यू और वी दो एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यहाँ से सबसेट से, तो वो हमने कुछ इस तरीके से ले लिए। ए भी हमने रियल नंबर की फील्ड से दो स्केलर्स ले लिए, इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स जो कि सेट के एलिमेंट होते हैं या फिर सबसेट के एलिमेंट होते हैं। तो सिंपल इनको यहाँ पर पुट कर देंगे, ए बी को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म निकल के आएगी। अब इस फॉर्म में इसको लेट कर लेंगे एक्स डैश, इसको लेट कर लेंगे, देखो टू को कॉमन लेंगे तो वाई डैश, इसको लेट थ्री को कॉमन लेटते हुए ले लेंगे थ्री जेड डैश। टोटली इसी तरीके की फॉर्म में अपने पास ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है सबसेट में, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड होती है इस सबसेट के लिए। तो ये सबसेट हम बोल देंगे एज ए सबस्पेस है इस वेक्टर स्पेस के लिए। अब सेकंड पार्ट में इस तरीके के एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और यहाँ पर जो एक्स है ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो डब्ल्यू हमने सबसेट को लेट कर लिया यहाँ पर, तो वही क्राइटेरिया हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हुए देख रहे हैं। तो सिंपल हमने यू और वी दो एलिमेंट ले लिए इन्हीं की फॉर्म में एक्स वन एक्स टू करते हुए, ए बी दो अपने पास स्केलर्स हमने ले लिए जो कि रियल नंबर की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये क्राइटेरिया अगेन यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा क्योंकि हम बिल्कुल उसी तरीके से इसको लेट कर लेंगे एक्स डैश, इसको भी एक्स डैश, इसको भी एक्स डैश, क्योंकि तीनों फॉर्म सेम है अपने पास है, तो क्राइटेरिया यहाँ पर भी होल्ड होगा। तो हम बोल देंगे सिंपल तरीके से कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट एज ए सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस के लिए। अब देखिए थर्ड जो पार्ट है ये क्या कहता है, जो एक्स वाई जेड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जो ये एलिमेंट है कम्प्लीट इसमें, ये रैशनल नंबर्स हैं, तो हमने इस सबसेट को डब्लू लेट कर लिया। तो यदि हम एक एलिमेंट लें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जिसको लेट कर लिया यू, और जो एक्स वाई जेड है ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में जिनको हम लिख सकें, और वहां पर क्यू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड को हमने लिया टू थ्री सिक्स, ठीक है, जो कि अपने पास सबसेट से बिलोंग करता है ये कम्प्लीट ऑर्डर पेयर। और एक हमने फील्ड से स्केलर ले लिया इसके इक्वल अंडर रूट टू के इक्वल, जो कि एक इरेशनल नंबर है अपने पास। रियल नंबर्स में तो सभी तरीके के नंबर होते हैं, तो इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं हम। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लोजर लॉ को देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि अंडर रूट टू की इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमें अगेन रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे इस कंप्लीट जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये एलिमेंट है इसमें। तो ये फॉर्म
इस सबसेट से बिलोंग नहीं करेगी, तो ये अपने पास अंडर मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन यहाँ पर क्लोज नहीं होती, तो टोटली इसको बोलेंगे कि ये अपने पास नॉट ए सबस्पेस होगा इस वेक्टर स्पेस के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल भी काफ़ी इजी है, यहाँ पर अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके बता रखी बुक में, जो अपने पास सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी निकल के आई थी उसको यूज़ कर रखा है यहाँ पर, तो हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसेट हम ले रहे हैं इसमें इस तरीके की इक्वेशन होंगी, ठीक है, जहाँ पर एक्स वाई जेड अपने पास रियल नंबर्स हैं और जो ये ए बी सी हैं ये अपने पास फिक्स्ड रियल नंबर है जो कि फिक्स रहेंगे। एक्स वाई जेड को तो हम एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू इस तरीके से ले लेंगे अगर हम दो एलिमेंट को लेते हैं यू और वी की फॉर्म में, ठीक है। तो हम दो एलिमेंट को यदि यू और वी की फॉर्म में ले रहे हैं तो इनके लिए दो इक्वेशन अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएंगे और ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये जो डब्ल्यू नॉन एम्प्टी सबसेट है ये एज ए सबस्पेस होगा किसके लिए, वी जो कि अपने पास वेक्टर स्पेस को यहाँ पर बताता है ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। फील्ड अपने पास क्या होगी, रियल नंबर्स की होगी, यहाँ पर गिवन नहीं है तो फिर भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि हमें गिवन न हो तो हमें मान लेना है कि फील्ड रियल नंबर्स की होगी, ठीक है। और ये वी क्या है, ये वी अपने पास थ्री टपल ऑफ रियल नंबर्स का एक सेट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये देखिए इस प्रॉपर्टी में यू और वी की इन वैल्यूज को पुट करेंगे हम, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज हैं, इनटू में अल्फा है तो अल्फा को इनटू में ले लेंगे, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्म बनेगी यहाँ पर। देखो इन एग्जांपल्स को हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्टली हम ये दिखा देंगे और सेकंडली हम ये दिखा देंगे, तो इनको भी हम यूज में ले सकते हैं यहाँ पर। बट इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि बुक में किस तरीके से कर रखा है, तो उस तरीके से एक बार समझ लेते हैं, बाकी हम अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसको लेट कर लिया गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये अपने पास ऑर्डर फेयर की फॉर्म में एक एलिमेंट है, तो इसको क्या करेंगे, ए बी सी जो फिक्स नंबर हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए बी सी के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्म अपने पास यदि जीरो के इक्वल आएगी, इसको सोल्व आउट करेंगे तब तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बिलोंग करती है किससे, सबसेट से, वरना ये सबसेट से बिलोंग नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बी से, यहाँ पर सी से, जब हमने इनको इस तरीके से लिखा तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स वन वाई वन जेड वन के रिस्पेक्ट में और ये अपने पास टू के रिस्पेक्ट में बन जाएगी। अभी ये दोनों ही अपने पास एज ए इक्वल टू जीरो होंगी, यदि हम यू वी एलिमेंट के लिए देखेंगे इक्वेशन क्या होंगी, तो जीरो जीरो के इक्वल होंगी, दोनों के जगह जीरो पुट करेंगे तो टोटली अपने पास ये इक्वेशन भी जीरो के इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स ये कंडीशन होल्ड होती है अपने पास इस सबसेट में, तो ये सबसेट अपने पास सब स्पेस कहलाएगा इस वैक्टर स्पेस वी के लिए। एग्जाम्पल थ्री देखिए, एग्जाम्पल थ्री में क्या है, वी इज ए वैक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्केयर मैट्रिक्स ओवर फील्ड आर, आर अपने पास यहाँ पर एज ए फील्ड है, वी एज ए वेक्टर स्पेस है और ये वी इस तरीके का सेट है अपने पास जिसके अंदर स्केयर मैट्रिक्स है। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, ये जो सबसेट्स हमें दिए गए हैं चार पार्ट में यहाँ पर, इनमें से कौन से ऐसे सबसेट होंगे जो कि एज ए सब स्पेस का काम करेंगे इस वेक्टर स्पेस वी के लिए। तो सिंपल फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये W करके अपने पास ये सबस्पेस है और यहाँ पर एक्स वाई जेड बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। तो सिंपल हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर जो अपने पास सिंपल वाली थ्योरम है उसको यूज कर सकते हैं। एक लेंगे स्केलर इनटू में एक्स वाई जेड को हमने ले लिया तो अपने पास फॉर्म क्या बनेगी, ए अंदर आ जाएगा इसके साथ और ये जीरो ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अपने पास बिलोंग करता है किससे, डब्ल्यू से, सबसेट से। तो एक कंडीशन होल्ड करवा दी हमने यहाँ पर, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखो ये इनको इस तरीके से ले लेता हूँ मैं और प्लस में मैं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा बी एक्स टू बी वाई टू बी जेड टू और यहाँ पर जीरो। तो ऐड करेंगे टोटल फॉर्म ये बन जाएगी ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू ए वाई वन प्लस बी वाई टू और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए जेड वन प्लस बी जेड टू और यहाँ पर जीरो। तो देखो अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व हो रहा है, स्ट्रक्चर हमें देखना है मैट्रिक्स के इसमें, इसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में अपने पास एलिमेंट है किसमें, सबसेट में। तो ये अंडर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हमने करवा दी वेक्टर एडिशन पे और यहाँ पर हमने देखा दी इसको अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों ही कंडीशन हमने होल्ड करवा दी तो डब्ल्यू अपने पास एज ए सबस्पेस कहलाएगा। फिर सेकेंड पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, कंडीशन अपने पास क्या होती है मैट्रिक्स केज में कि अपने पास जो स्ट्रक्चर है ना वो प्रिजर्व होना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए अपने पास जब उसको सोल्व आउट करते हैं इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो ये भी अपने पास एज ए सबस्पेस होगा। अब इन दोनों के लिए देखेंगे, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए यहाँ पर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका यदि हम डिटर्मिनेंट लें
तो वो अपने पास इक्वल टू जीरो आए, और नॉन सिकुलर कौन सी होती है जिसका हम डिटरमिनेंट ले तो नॉट इक्वल टू जीरो आए। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। वी अपने पास जो वेक्टर स्पेस है स्केयर मैट्रिक्स का, उससे हमने इस सबसेट को बनाना है, और ऐसी मैट्रिक्स को लेंगे जिनका डिटरमिनेंट करें तो वो जीरो के इक्वल आए, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स को लेंगे। तो ए हमने ये मैट्रिक्स ले ली और बी हमने ये मैट्रिक्स ले ली, इनका डिटरमिनेंट करके देखेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। बट जैसे ही हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, या फिर बात करें अपनी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें इसको, तो देखिए यू हमने क्या लिया, मतलब कि यू हमने क्या लिया, मतलब कि ए मैट्रिक्स इस तरीके से ले ली, और बी मैट्रिक्स हमने क्या ली, वी जिसको मैं बोल रहा हूँ ये हमने ये ले ली। ठीक है, इस तरीके से अब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो और यहाँ पर वन। क्या अभी अपने पास एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जब डिटरमिनेंट हम करेंगे तो वो इक्वल टू वन आ जाएगा, मतलब कि नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इस केस में अपने पास प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, तो टोटली हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट अपने पास सबस्पेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमें जब प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। अब लास्ट देखेंगे फोर्थ का पार्ट, तो इसकी क्या कंडीशन है अपने पास, हमें ऐसी मैट्रिक्स को चुनना है जिसका स्केयर करें तो अपने पास वही मैट्रिक्स हमें मिले। तो सिंपल देखिए, हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है, अब इसका स्केयर करेंगे, मतलब किसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए ही मैट्रिक्स मिलेगी, यही मिलेगी सेम टू सेम। ठीक है, तो इट मीन्स ये ए मैट्रिक्स साबित हो जाती है यहाँ पर, अपने सबसेट से बिलोंग करती है, अपने सबसेट के काबिल है ये। अभी क्या करते हैं हम, यू प्लस वी वाली जो ये प्रॉपर्टी है सेकंड क्लोजर ला वाली, इसको देखते हैं क्या ये होल्ड होगी अपने पास। तो यू भी हमने ए ले ली मैट्रिक्स और वी भी हमने ए ले ली मैट्रिक्स को हम सेम ले सकते हैं, दोनों एलिमेंट अपने पास सेम हो सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों को हमने सेम ले लिया, तो ए प्लस ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये मिलेगी टू जीरो जीरो जीरो। तो देखो ए प्लस ए अपने पास आई ये फॉर्म, अब इसी का स्केयर करेंगे जब तो हमें यही फॉर्म मिलने चाहिए, बट जैसे स्केयर करेंगे तो अपने पास हमें ये फॉर्म मिलेगी जो कि इसके इक्वल नहीं है अपने पास। तो एक तरीके से अपने पास अगेन क्लोजर ला अंडर वेक्टर एडिशन यहाँ पर फेल हो जाती है। तो इस तरीके से W जो सबसेट है ये सब स्पेस नहीं कहलाएगा इस वेक्टर स्पेस V के लिए। नेक्स्ट और लास्ट वन एग्जांपल फोर्थ है अपने पास, इसमें क्या है अपने पास, V वेक्टर स्पेस है, ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ओवर फील्ड R, V वेक्टर स्पेस है ओवर दिस फील्ड ऑफ रियल नंबर R, और V अपने पास ऐसा सेट है जिसके अंदर अपने पास कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। सो डैट, तो हमें ये शो करना है इसका, यदि W अपने पास एक नॉन एम्पटी सबसेट है जिसके अंदर अपने पास सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, इस तरीके से यही अपने पास एज ए एलिमेंट्स का वर्क करेंगे, क्या ये सबसेट इन एलिमेंट्स के साथ सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस V के लिए, ये हमें शो करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास गिवन फॉर्म है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की, हम क्या कर देंगे, अब दो एलिमेंट यदि हम लेने हैं तो y को चेंज कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि y की फॉर्म में ही अपने पास सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, तो एक बार ले लेंगे y1 एक बार ले लेंगे y2। तो इस तरीके से दो इक्वेशन अपने पास बन जाएंगी, दो एलिमेंट अपने पास बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर कौन सा रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, कोई भी कर सकते हैं, बट मैं अकॉर्डिंग टू आपको बुक बता रहा हूँ फिलहाल, आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी करके दिखाया था ये रिजल्ट अप्लाई मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा रिजल्ट यूज किया गया है अपने पास, फोर्थ जो थ्योरम थी इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया था ये यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो सिंपल ए बी दो हमने रियल नंबर की फील्ड से स्केलर्स ले लिए, तो इन दोनों को इन इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, ये फॉर्म कॉमन आ जाएगी, और यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा अपने पास है। ठीक है, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये फॉर्म बन जाएगी टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मल्टीप्लाई करने के दौरान यहाँ से देखो ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, तो अपने पास ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, बी को कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास ये इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू, तो अपने पास गिवन इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वल टू जीरो थी अपने पास सबसेट में, और ये जो हमने ली थी ये भी इक्वल टू जीरो थी, तो यहाँ पर भी जीरो पुट हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो पुट हो जाएगा, तो टोटली आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जो नई अपने पास फॉर्म बनी थी ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये भी अपने पास जीरो के इक्वल आ चुकी है, तो इस मीन्स ये फॉर्म भी अपने पास बिलोंग करेगी सबसेट से W से। तो टोटली हम बोल सकते हैं W जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ये अपने पास एज ए सबस्पेस का वर्क करेगा वेक्टर स्पेस V के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये एग्जांपल्स थे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, सभी जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं सभी काफ़ी ईजी हैं,
कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व आउट हम कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बाकी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।